हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक खास जगह। जब भी हम घर आते हैं तो एक बार वहाँ पे जरूर जाते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह जल्दी ना धोकर हम घर से निकल गए और वो जगह दूसरा कोई नहीं, वो है हमारे कुलदेवी माता का मंदिर। हमारी कुलदेवी माता मतलब निम्बा देवी, जिनकी हम पर कृपा है। ये मंदिर गांव से आधे किलोमीटर पे है। मंदिर के साइड में खेत है और मंदिर के पीछे से नदी बहती है। आप ये ग्रीनरी तो देख ही सकते हो। यहाँ आकर मन को बहुत शांत लगता है। देवी के मंदिर आते ही सबसे पहले हम हमारे पैर धोते हैं और यहाँ पे किसी ने एक देवी माता की सुंदर मूर्ति रखी है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए। अव्यान को यहाँ पे घंटा बजाना था और ये है हमारी कुल स्वामिनी निम्बा माता। जय निम्बा माता, जय कुल स्वामिनी माता। आरती ओ वणु तुझला, आरती ओ वणु तुझला, विघ्न सकल हरता। उसके बाद हम गए हमारे गांव के मंदिर में। ये है गजानन महाराज मंदिर और दूसरा मंदिर है विठ्ठल मंदिर। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। पे शंकर जी के फेवरेट धोतरा के फ्लावर चढ़ाए हैं। उसके बाद हम घर आ गए। तो चलो आज मैं आपको हमारे घर की सैर कराती हूँ। तो ये है हमारा घर, जिसके साइड में सुंदर सा गार्डन है और खेलने के लिए आंगन भी। इस घर में नीचे चार रूम है और ऊपर दो रूम है। घर के सामने आपको जो पेड़ दिख रहा है वो जामुन का है। इसके साइड में मोगरा और लेमन ग्रास है और इस पेड़ के साइड में एक हौद है। हौद के साइड में कपड़े धोने के लिए ये पत्थर है। मेरी सासू माँ को घुटनों का प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने ये पत्थर दो स्टेप ऊपर रखा है कि खड़े होकर भी कपड़े धो सके। उसी के साइड में है ये सुंदर सा वृंदावन में तुलसी लगाई है। अब हम चलेंगे गार्डन में। गार्डन में आते ही आपको जो ये पहला पेड़ दिखेगा वो है कटहल का। इसी साल इसको फर्स्ट टाइम कटहल लगे थे और इस पेड़ के कटहल बहुत ही मीठे हैं। और अब आगे चलकर देखते हैं तो यहाँ पर है ये अमरूद का पेड़। इसके भी अमरूद काफी मीठे हैं। अमरूद के पेड़ के बाद ये है आंवले का पेड़ और इस पेड़ को हर साल 40-50 केजी आंवले आते हैं। आप अभी भी देख सकते हो कितने सारे लगे हैं। और इसी पेड़ के साइड में है करोदा का पेड़, जिसका यूज करके हम आचार बनाते हैं। और यहाँ पे लगाई है हल्दी। और गार्डन के उस साइड है पपीता, नींबू और ड्रमस्टिक का पेड़। और ये है हमारे घर का फ्रंट गेट। यहाँ पे कड़ी पत्ता, थोड़े बहुत फ्लावर्स के पेड़ और एक आम का पेड़ भी लगाया है। आपको जो सामने पड़ा पेड़ दिख रहा है वो है चीकू का पेड़ और इसके चीकू भी बहुत मीठे हैं। इसको अभी चीकू लगना स्टार्ट हुआ है। और इस सारे गार्डन के पीछे मेरे सास ससुर का हाथ है। वो डेली इनको पानी देते हैं, सूखे पत्तों का कचरा निकालते हैं और टाइम टू टाइम उनकी कटिंग भी करते हैं। अब हम घर के अंदर जाते हैं। तो
तो ये है हमारा हॉल और यहाँ पर है हमारे स्वर्गवासी दादाजी की तस्वीर। उनके साइड में ये हमारी फोटो जो कि हमें एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिली थी। और आपको ये मेरे पैर के निशान दिख रहे होंगे, ये मेरे गृह प्रवेश के हैं जो कि मेरे ससुर जी ने फ्रेम करके लगवाए हैं। हॉल से निकलते ही यहाँ पर है स्टोर रूम जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा है। उसी के साइड में यहाँ पे है ये बेडरूम। हम जा रहे हैं तो हमारा ही सारा सामान बिखरा है। और ये है किचन। किचन को लगाकर ही एक यूटिलिटी है जिससे कि सारा गार्डन दिखता है। और खाने पे टाइम पर हम इस गैलरी से आसानी से नींबू भी तोड़ सकते हैं। आपने ये सब्जी खाई है क्या, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ आकर अव्यान मनसोक्त आंगन में खेलता है और यहाँ अव्यान झाड़ू लगाकर उसकी दादी की हेल्प कर रहा है। दादी के साथ वो भी झाड़ू लगा रहा है। अब हो गया है शाम का टाइम। अव्यान दादी के साथ पड़ोस में जा रहा है। यहाँ डेली शाम के टाइम पर लेडीज आधे एक घंटे के लिए बाहर गप्पे लड़ाने आती है। अव्यान के दादाजी को भजन कीर्तन बहुत पसंद है। इस बार अव्यान आया था इसलिए उन्होंने घर पर एक दिन भजन कीर्तन रखा था। और यहाँ पर ये तबला अव्यान बहुत ही एंजॉय कर रहा है। हमारे अव्यान को भी सिंगिंग बहुत पसंद है। और यहाँ पर ये पेटी बजाने वाले अव्यान के दादाजी हैं। अव्यान सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, ये कैसे बजता है, वो कैसे बजता है। और इसी बीच हमारे घर अव्यान की बुआ और अव्यान की बहन भी आई थी। दोनों देखो कैसे मस्त खेल रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे पेड़ होने के कारण मच्छर भी बहुत आते हैं, इसलिए हम अव्यान को डेली नेट में सुलाते हैं। और डेली सोने से पहले अव्यान की बहुत मस्ती चलती है। और यहाँ पर अव्यान अपनी बुआ के साथ मस्ती कर रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।